हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आज और अभी से आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को साथ में लेकर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि जयेश गया है स्कूल और मैं यहाँ पर डेली रूटीन का जो भी काम होता है वहाँ से स्टार्ट की हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग। तो डेली व्लॉग फ्रेंड्स, मेरा ये रेगुलर का जो भी काम काज होता है यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग इसको बहुत लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो ऐसे ब्लॉग्स के भी का साथ देते रहिए ताकि जो भी माइलस्टोन है उसको हम सब मिलके बहुत अच्छे से पार कर सकें। तो देखिए बेडशीट ना, बेडशीट क्या हुआ था, ये दादी को मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, वो उनके पैरों में तो ना जब उतरती है तो घिस जाता है, तो लटक जाता है सामने, तो ना बहुत गंदा दिखता है। तो इसलिए मैं बेडशीट को फिर से निकाल के फिर से दोबारा से बिछा रही हूँ। और जो है जयेश के पापा गए स्विमिंग, जयेश को स्कूल छोड़ के वो बोले कि मैं एक ही बार में स्विमिंग करके फिर आऊँगा, फिर ड्यूटी जाऊँगा। तो इसी बीच में जल्दी जल्दी से घर का काम कर लूँगी और उसके बाद नाश्ता बन गया है, घर का काम कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर जब वो आ जाएंगे स्विमिंग पूल से, एक घंटा लगेगा उनको स्विमिंग पूल से आने में, तो उतने देर में तो मेरा घर का काम काज हो जाएगा। तो देखिए, तो वो गए थे जयेश को छोड़ने, तो बोले कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था स्विमिंग जाने का, तो मैं नहीं गया। और ना यहाँ पे आज मैं करूँगी प्याज की सफाई। तो प्याज में ना ये हुआ था, प्याज ने पूरा छिलका छोड़ दिया था, मिट्टी मिट्टी हो गया था, तो वही जो है प्याज की सफाई करेंगे। और नीचे लहसुन लहसुन है, इसका भी थोड़ा सा देख रेख करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि अभी बरसात का मौसम है ना, तो बरसात में ना पूरा सड़ जाता है बहुत, और उमस हो रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना प्याज में से थोड़ा सा स्मेल भी आ रहा था। तो मैंने बोला कि दादी है, चलो दादी और मैं दोनों लोग मिल के कर लेते सफाई। तो जयेश के पापा बोले कि जब तक तुम लोग सफाई करो तब तक मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो वो घर में कर लेते हैं। स्विमिंग पूल बोले कि मैं तो गया नहीं तो टाइम है, तो अभी मैं कर लेता हूँ, तब तक तुम लोग कर लो इसको सफाई। और ना इसको निकालने के, प्याज को निकाल लिया, तो बेड के नीचे जो भी खाली जगह है उसको मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया और पोछा भी लगा दिया। जब तक प्याज का सफाई करेंगे तब तक जो है वो सूख जाएगा उसके नीचे। दादी को मैंने बोला जिस उसमें था प्याज रखा हुआ था बोरे में, उस बोरे को आप ना थोड़ा सा हवा में डाल दो, धूप में हवा लग जाएगा उसमें। तो यहाँ पे देखिए ये ना ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है, ख़राब हुआ था। और जो ख़राब है ना, ख़राब नहीं मतलब थोड़ा सा हमको, मुझे लगा थोड़ा सा नरम नरम, उसको मैं इस टोकरी में रख रही हूँ तो ना सही रहेगा। देखिए इतना छिलका निकला है और ये सामने जो ये थोड़ा सा नरम नरम, ये अच्छा वाला है। तो देखिए दादी ने बहुत साफ़ किया था, बहुत हेल्प हो गया था मेरा, नहीं तो मैं अकेले करती तो 3-4 घंटे लग जाता, वो दादी साथ में साथ दी तो 1.5 घंटे में ही हो गया था। और ना ये देखिए अब इसको बिछा दूँगी नीचे और उसके बाद प्याज को रखूँगी। तो क्या होगा ना, अगर कोई प्याज सड़ेगा भी तो ना टाइल्स के ऊपर उसका निशान नहीं आएगा, नहीं तो मैं फर्स्ट टाइम जिस बार लगाए थे उस बार क्या क्या था ना, डायरेक्ट मैंने फ्लोर के ऊपर रख दिया था प्याज और पूरा सर के पूरा एकदम टाइल्स के ऊपर निशान पड़ गया। और अभी भी बहुत मतलब अभी भी काफ़ी हद तक वो निशान है, पोछा ओछा लगाया लेकिन गया नहीं। तो इस तरह से इसको पूरा फैला के रख देंगे और बीच बीच में ना फिर से सफाई करना पड़ेगा एक आध महीना बाद, क्योंकि प्याज छिलका छोड़ता है ना तो उसी को साफ़ करना पड़ता है ताकि इसको हवा लगे। और जो थोड़ा सा नरम नरम था उसको मैंने डाल दिया धूप में, थोड़ा सा हवा हवा लग जाएगा, इसको पहले खा लेंगे, मतलब इसको हम लोग सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे और जो अच्छा वाला है उसको सलाद वलाद खाने के लिए यूज़ कर लेंगे, तो दोनों ही यूज़ हो जाएगा। और थोड़ा सा दादी के हाथों भिजवा देंगे मम्मी के लिए। और जो है इतना छिलका निकला है, ये अभी कूड़ा वाला गाड़ी आएगा तो उसमें डाल देंगे, वो लोग ना उस कूड़े से ना खाद बना के देते हैं, तो अभी जस्ट कूड़ा वाला गाड़ी आने ही वाला है तो उसी में डाल देंगे। और कपड़े वपड़े जो भी डाले थे सब सूख गया है, धूप इतना तेज़ हो रहा है, उमस हो रहा है, 2 सेकंड बाहर जाने लायक नहीं है, इतना तेज़ धूप हो रहा है। तो इन दिनों ना जैसे स्कूल जा रहा है तो सुबह सुबह काम काज हो जा रहा है, जैसे वो स्कूल जाता है तो तुरंत नहा धो के ना मैं मतलब दादी काट और देती है सब्ज़ी और मैं बना लेती हूँ, मतलब 10:30 तक मेरा खाना वाना बन जाता है। लेकिन आज प्याज की सफाई के चक्कर में ना आज तो मतलब
10:30 मेरा नहाते ही मतलब नहाने में ही 10:30 बज गया था। उसके बाद फिर पूजा वूजा किए, खाना बनाते बनाते फिर दोपहर हो ही गया था, 11:30-12 बज गया था। तो आज ना गर्मी भी लग रही थी, तो रोज़ चावल खाते हैं, आज चावल खाने का मन नहीं हुआ। मैंने बोला कि मैंने सोचा कि चलो आज रोटी बनाते, तो रोटी बनाया था आज दोपहर में। और फिर ना जयेश को लाने भी जाना था, कि जयेश के पापा साइकिल लेके गए और मुझे बोले कि तुम जयेश को लेके आना। ये देखिए जयेश आ रहा है, धूप देखिए कितना तेज़ धूप है, पसीने से बेचारा लथपथ हो गया। और कल थोड़ा सा बारिश हुआ था ना, इसी वजह से आज ज़्यादा उमस हो रही है। तो जयेश को लेकर गए थे कॉम्प्लेक्स अंडा लाने, और उसको फूटी वूटी लेकर दिए थे। और फिर मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। इस टाइम ना मेरे सर में जयेश लगा दे रहा है इंदुलेखा ऑयल। तो इंदुलेखा ऑयल लगाने के बाद फिर जो है आधा घंटा बाद नहाना पड़ता है, मतलब शैम्पू करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि जयेश को थोड़ा सा लगा दो, वैसे लगाता नहीं है, लेकिन अभी मैंने दादी को बोला लगाने के लिए, तो जैसे दादी को बोला वैसे वो बोला कि नहीं मैं लगाऊंगा। देखिए तरह तरह से स्टाइल कर कर के लगा रहा है। और शाम का नाश्ता लिया और चाय, देखिए दादी भी लगा रही। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।